छह साल की वारंटी है और इसमें आपको LED डिफर मिलते हैं। 15 स्पीड गियर ट्रैक्टर है, 33.8 किलोवाट की क्यूटी पावर मिलती है। 3478 cc का इसका इंजन होने वाला। नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों आज की वीडियो में आपको स्वराज 855 हाई लो मीडियम 4x4 ट्रैक्टर दिखाऊंगा, साथ में आपको स्वराज 844 XC ट्रैक्टर दिखाऊंगा। तो पहले दिखाते हैं आपको ट्रैक्टर। ये जो ट्रैक्टर आप देख पा रहे हैं ये स्वराज 855 है, हाई लो मीडियम में आ चुका है। किसान भाइयों को बहुत इंतजार था तो इंतजार खत्म हो गया, हाई लो मीडियम आपके सामने आ गया है। ठीक है जी, ये जो ट्रैक्टर है आपको पूरे 55 HP मिलता है। इसका जो फ्रंट लुक आप देख पा रहे हैं बहुत ही जबरदस्त होने वाला है। यहाँ पे आप LED लगा सकते हैं, यहाँ भी LED लग जाएगी और इसमें जो लाइटें मिलती हैं आपको हैलोजन लाइटें मिलती हैं। ट्रैक्टर का लुक पहले से और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव बना दिया है कंपनी ने आपके लिए। ठीक है, इसका जो बोनट है यहाँ से खुल जाएगा, मैं आपको खोल के भी दिखाऊंगा। देख पा रहे हैं किसान भाई, इसका जो बोनट है सिंगल पीस बोनट दिया हुआ है, सिंगल जैक के साथ में आता है, आप देख सकते हैं। और ये ट्रैक्टर वाटर कोल्ड ट्रैक्टर, आपको पता है स्वराज वाटर कोल्ड में ही आता है। रेडिएटर वगैरह बहुत ज़बरदस्त होने वाला है और इसका जो चूल्हा है, चूल्हा भी इसका चेंज कर दिया है कंपनी ने, आप देख सकते हैं। बम्पर वगैरह लग सकता है, बहुत ही ज़बरदस्त काम किया है कंपनी ने। और इसमें आपको डबल एक्टिंग वाला पावर स्टीयरिंग मिलता है, कटिंग करने के लिए बहुत ज़बरदस्त होता है। ट्रैक्टर की टर्निंग रेडियस बहुत अच्छी होने वाली है। बाकी ये जो ट्रैक्टर है इसका जो इंजन है पहले से बड़ा कर दिया गया है, इसमें आपको 3 सिलेंडर का 3478 cc का इंजन मिलता है। ट्रैक्टर इनलाइन पंप के साथ में आता है, आप देख पा रहे हैं भाइयों। बाकी ये जो ट्रैक्टर है इसमें आपको पावर स्टीयरिंग का पंप और हाइड्रोलिक का पंप अलग अलग मिलता है। ठीक है जी, और ये जो ट्रैक्टर है 4-स्टेज ऑयल बाथ ये क्लीनर के साथ में आता है। ग्राफिक्स वगैरह आप देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त होने वाले हैं। और हमारे जो मैकेनिक भाई काम करते हैं तो उनके लिए तो बहुत अच्छा हो गया, क्योंकि सिंगल पीस बोनट में दिक्कत नहीं होती है, आप यहाँ से बोनट खोल भी सकते हैं। और बाकी रीपर पे चलाएंगे आपको तो बोनट खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, इसके जो आगे टायर हैं आपको 9524 के मिलते हैं। ठीक है भाई, इसके दो मॉडल आते हैं, आपको 8320 के भी टायर मिल जाएंगे। किसान भाई, किसान भाई, इस ट्रैक्टर में आपको ये वाटर सेपरेटर मिलता है, स्वराज कंपनी का वाटर सेपरेटर है। और इसमें आपको कई फीचर्स एडवांस मिलते हैं, जैसे आप देख पा रहे हैं 6 साल की इसमें आपको वारंटी मिलती है। तो कंपनी ने ये बहुत अच्छा काम किया है आपके सामने, 6 साल की वारंटी है और इसमें आपको LED डिफर मिलते हैं। डिफर इसके बहुत अच्छी क्वालिटी के होने वाले हैं, आप जानते हैं स्वराज बिल्कुल मेंटेनेंस फ्री ट्रैक्टर होता है। तो कंपनी ने बहुत अच्छा काम किया है और ये 4-wheel ड्राइव का लीवर होने वाला है, साथ में इसके आपको IPTU क्लच मिलता है, इंडिपेंडेंट क्लच। ठीक है, इसकी रीपर पर बहुत जरूरत पड़ती है। बाकी सीट वगैरह एडजस्टेबल होने वाली है और ये इसकी PTO में आपको CR PTO 5 साल चक्कर मिलते हैं। PTO पावर में आपको दिखाऊंगा। ठीक है, प्लेटफॉर्म वगैरह देख सकते हैं आप लोग, कैसा लगा आपको कमेंट में फीडबैक जरूर दें, प्लेटफॉर्म के बारे में बताएं। ट्रैक्टर में किसान भाइयों आपको फुली डिजिटल मीटर मिलते हैं, आप बताएं आपको इसके मीटर कैसे लगे। बहुत ही अच्छा बदलाव किया इस ट्रैक्टर में, जो RPM में 2000 इसके रेटेड RPM होने वाले हैं और स्टेयरिंग बहुत अच्छा होने वाला है। इसमें आपको हॉर्न मिलता है, बाकी ये लाइट स्विच वगैरह हो गया इसका। ठीक है भाइयों, और 15 स्पीड गियर ट्रैक्टर है, हाई लो मीडियम हमने आपको बताया था। ठीक है, जो मेरे किसान भाई स्वराज 855 न्यू मॉडल ट्रैक्टर लेना चाहते हैं कमेंट में अपना फीडबैक जरूर दें। और जो किसान भाई ट्रैक्टर को चला रहे हैं तो वो अपना फीडबैक जरूर दें, आप बताएं ट्रैक्टर डीजल कितना ले रहा है, कौन से यंत्र पर चला रहे हैं, कौन सा रूटावेटर आप चला रहे हैं। बाकी इसकी जो सीट हमने आपको बताई एडजस्टेबल सीट होने वाली है और इसकी जो लिफ्ट है 2000 kg की लिफ्ट कैपेसिटी होने वाली है। ठीक है, पिछले इसमें जो टायर मिलते हैं आपको 16-28 के मिलते हैं, आप चाहें तो 14-28 के टायर भी ले सकते हैं। ठीक है, बाकी आप इधर ये देख पा रहे हैं ये इसकी 4-wheel ड्राइव की रॉड होने वाली है, जिस पर आपको कवर भी मिलता है। सेफ्टी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा है कंपनी ने। ठीक है, और ये भारत की कंपनी है तो भारत के किसान भाइयों के फीडबैक के अनुसार ट्रैक्टर बनाया है। किसान भाइयों आप देख पा रहे हैं इसमें आपको पावर स्टीयरिंग पंप और हाइड्रोलिक पंप दोनों अलग अलग मिलते हैं। ठीक है, और ये आप देख पा रहे हैं साइलेंसर भी पहले थोड़ा चेंज कर दिया गया है तो थोड़ी ट्रैक्टर की आवाज़ भी चेंज है। भाइयों आप देख पा रहे हैं साइड में आपको इसका बैटरी बॉक्स मिलता है। किसान भाइयों ट्रैक्टर में आपको तेल में डुबो ब्रेक मिलते हैं और ये इसके PCDC लीवर होगा। ठीक है जी, 2000 kg की इसकी लिफ्ट कैपेसिटी होने वाली है। ये इसका हैंड ब्रेक हो गया, आप देख सकते हैं। बाकी इस ट्रैक्टर की जो ग्राउंड क्लियरेंस है ये भी काफ़ी अच्छी होने वाली है। ठीक है जी, और मैं आपको दिखाता हूँ इसका पिछला हिस्सा। इस ट्रैक्टर के जो बैक टायर है इसमें आपको 16-28 के बैक टायर मिलते हैं और इसके जो मडगार्ड हैं ये भी थोड़े से चेंज कर दिए गए हैं। आप बताओ आपको इसके मडगार्ड कैसे लग रहे हैं, पहले वाले अच्छे थे या ये वाले अच्छे लग रहे हैं। ठीक है जी, बाकी इसका जो पिछला हिस्सा है ये ट्रैक्टर बुल प्रीमियम रेडक्शन के साथ में आता है। इसमें आपको डबल डिस्ट्रीब्यूटर मिलते हैं और ये देख सकते हैं आप लोग, ये रिफ्लेक्टर हो गया, बाकी ये टूल बॉक्स हो गया। ठीक है, लिफ्ट लिंकेज वगैरह देख सकते हैं आप लोग, बहुत अच्छा काम किया है। और ये आप देख पा रहे हैं ये काफ़ी अच्छा काम किया है, इसके माध्यम से आप लिफ्ट को यहाँ से ऑपरेट कर सकते हैं। ठीक है, और टॉप लिंक के लिए इसमें आपको 3 होल मिलते हैं, जैसे आपकी यहाँ की मिट्टी है वैसे आप इसे यूज़ कर सकते हैं किसान भाइयों।
और यहाँ पे लिखा हुआ है 540 पीटीओ में आपको मिलती है। इसका जो है इसे भी आप ऊपर नीचे एडजस्ट कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, बाकी मडगार्ड की सेफ्टी के लिए ये हैंडर दिया हुआ है। तो किसान भाइयों, ये था आपके सामने स्वराज 855 हाई लो मीडियम, ठीक है जी। बाकी लाइट वगैरह इसकी थोड़ी चेंज कर दी गई है, और ये आपके सामने टू व्हील ड्राइव में है ये विदाउट। तो भाई ये 1+2 वाला मॉडल है, इसमें आपको 8 फॉरवर्ड 2 रिवर्स गियर मिलते हैं। इसमें आपको डबल एक्टिंग वाला पावर स्टीयरिंग मिलता है, फ्रंट एक्सल इसका भी एडजस्टेबल होने वाला है, सिंगल पीस मोनो ट्रैक्टर का होने वाला है। इंजन सेम है, बस ये सादा वाला मॉडल, इसके आगे टायर आपको 17-16 के मिलते हैं। और इसका जो चूल्हा है देख पा रहे हैं आप लोग, बहुत ही अच्छा होने वाला है। आप चाहें तो सादा भी ले सकते हैं। इंजन भाई ये 3478 cc का इंजन होने वाला है, इंजन में बदलाव किया है। बाकी मैं आपको ट्रैक्टर दिखाता हूँ, ये देख सकते हैं आप लोग, सेंटर ये ट्रैक्टर है, 1+2 वाला। इसमें गियर बॉक्स मिलता है आपको, 2000 kg की इसकी लिफ्ट कैपेसिटी है, टेल में डुओ ब्रेक है, और पीटी पावर इसमें आपको लगभग 33.8 kW की पीटी पावर मिलती है, ठीक है जी। तो किसान भाई टू व्हील ड्राइव में भी आप हाई लो मीडियम ले सकते हैं, ठीक है जी। बाकी मैं आपको दिखाता हूँ 744। किसान भाइयों, ये आपके सामने है स्वराज 744 XT। ये भाइयों 50 HP का ट्रैक्टर है, ये भी 3 सिलेंडर में आता है, 3478 cc का इसका भी इंजन होने वाला है। और बाकी ट्रैक्टर सेम है, ये भी आपको हाई लो मीडियम में मिल जाएगा, और 744 FE वो भी आपको हाई लो मीडियम में मिल जाएगा। दोनों ट्रैक्टर आपको हाई लो मीडियम में मिलेंगे, और दोनों ही मॉडल आपको 4x4 में मिल जाएंगे। बहुत ही ज़बरदस्त ट्रैक्टर है ये, फिलहाल सेंटर गियर वाला मॉडल है, ठीक है जी। इसकी जो लिफ्ट कैपेसिटी है लगभग 1800 kg की लिफ्ट कैपेसिटी होने वाली है। बाकी जो हमारे किसान भाई इस ट्रैक्टर को लेना चाहते हैं या फिर इसको चला रहे हैं, तो आप लोग अपना फीडबैक जरूर दें। और इसमें आपको सिंगल एक्टिंग वाला पावर स्टीयरिंग मिलेगा। किसान भाइयों, इस ट्रैक्टर में आपको हाई लो मीडियम गियरबॉक्स भी मिल जाएगा, बाकी इसमें आपको IP2 प्लस मिलता है, देख सकते हैं आप लोग, और सीट वगैरह सब कुछ एडजस्टेबल होने वाली है, ठीक है जी। इसके जो बैक टायर हैं आपको 1428 के मिलते हैं, देख सकते हैं आप लोग, बहुत ही ज़बरदस्त ट्रैक्टर है। पिछला हिस्सा आप देख सकते हैं, डबल डिस्ट्रीब्यूटर इसमें आपको मिलते हैं, टूल बॉक्स मिलेगा, रिफ्लेक्टर मिलेगा, और यहाँ से आप देख सकते हैं लिफ्ट ऑपरेट कर सकते हैं, ठीक है। 504 चक्के इसमें भी आपको मिलते हैं, और ये भी ट्रैक्टर आपको गोल प्रीमियम रिडक्शन के साथ में मिलता है। तो किसान भाइयों, आज की वीडियो में मैंने आपको स्वराज 855 744 XT दो ट्रैक्टर दिखाए। आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। बाकी जिसे भी ट्रैक्टर लेना है आप अपने निकटतम शोरूम पर पता करें, कीमत हर जगह की अलग अलग होती है। तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू।